हालेलुया, सबको जय मसीह की। आइए मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक से आज के वचन को पढ़ते हैं, जो कि परमेश्वर के दास पास्टर अंकुर यूसुफ नरोला जी और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरोला जी के द्वारा लिखी गई है। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करते हुए इस प्रार्थना को रिसीव करते हैं और इन वचनों को ग्रहण करते हैं। हम सब अपनी आंखों को बंद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आपको आज के दिन, आज की महिमा के लिए, इस सुंदर टाइम के लिए। परमेश्वर आपने हमारे लिए चुना खुदावन पिता परमेश्वर, ये दिन आज हमें ब्लेस किया। इस दिन के साथ परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु परमेश्वर आप महान और महिमा के योग्य और सामर्थ्य परमेश्वर खुदावन पिता बाप, आप महिमा योग्य परमेश्वर हैं। खुदावन पिता बाप आप वो परमेश्वर है जिसने आकाश और समुद्र को बनाया परमेश्वर, पृथ्वी को बनाया परमेश्वर और जो कुछ इनमें उनको सृजा। खुदावन पिता बाप अनादिकाल से आपकी दया चलती आ रही पिता परमेश्वर, आप वो परमेश्वर है खुदावन पिता बाप जिसने आकाश से मन्ना बरसाया परमेश्वर अपने लोगों के लिए, और आज भी पिता परमेश्वर आप अपने लोगों को पिता परमेश्वर आज भी आप अपने लोगों को ब्लेस करते पिता परमेश्वर, हर एक कीट से, भोजन वस्तु से खुदावन पिता परमेश्वर, कपड़ों से परमेश्वर उनको ब्लेस करते पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते सामर्थ्य पिता परमेश्वर। और हम विश्वास रखते हैं पिता परमेश्वर कि आप आगे भी परमेश्वर हमें ब्लेस करते रहेंगे परमेश्वर अपनी महिमा के लिए, और इस्तेमाल करते रहेंगे परमेश्वर अपने सुसमाचार के कार्य के लिए पिता परमेश्वर। खुदावन पिता परमेश्वर आज के इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करते पिता बाप, और प्रभु परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम इस वचन को हम आज ग्रहण करते हैं परमेश्वर, जो आपके दास और दासी के लिए हमें दिया गया परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपके दास और दासी के लिए जिन्हें आपने हमारे लिए चुना परमेश्वर, कि हम उनके वचनों को परमेश्वर जो आप उन पर जाहिर करते हैं परमेश्वर, क्योंकि वचन कहता है पिता परमेश्वर, बाइबल कहती है कि आप अपने दासों पर अपने वचनों के भेदों को जाहिर करते हैं ताकि परमेश्वर आपकी प्रजा तक आपके वचन पहुँच सके कि आप उनसे क्या कहना चाहते हैं, उनको किस तरह की ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। परमेश्वर आपका आत्मा जुम्बस करे आज आपके लोगों में परमेश्वर इस वचन के द्वारा, आज ये वचन परमेश्वर की लाइफ में नई ब्लेसिंग्स को क्रिएट करे परमेश्वर, क्योंकि क्रिएटर परमेश्वर आप है हमारे खुदावन पिता बाप। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम में मांगते हैं परमेश्वर, आज जितना वचन हम सीखे स्वर्ण फलों को लाएं, अंधकार की कोई भी सहायता नहीं सकती, इन वचनों को ना चलाने पाए परमेश्वर, तेरे जीवित नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया, आज का वचन आप चुने गए हैं, जैसे कि यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 15 के 16 वचन में लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। मेरे प्रियो, जब आप बाइबल को ध्यान से पढ़े तो लिखा है कि परमेश्वर ने कहा कि तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना है और ठहराया कि तुम फल लेकर आ सको और तुम्हारा फल बना रहे। परमेश्वर ने आप सबको फल लेकर आने के लिए चुना है, इसका मतलब कि आप बुलाए गए ही नहीं बल्कि चुने हुए हैं, क्योंकि आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करके बपतिस्मा ले लिया है। आप बुलाए तब गए थे जब आप पहली बार चर्च में आए थे, पर जिस दिन आपने परमेश्वर पर विश्वास कर लिया तो आप फल लेकर आने के लिए चुने गए हैं। याद रखें, शैतान आपको गिराने के लिए और इसलिए कि आप फल ना लेकर आए अपने बहुत से हथियारों का इस्तेमाल करता है। जब आप परमेश्वर में आते हैं, पवित्र आत्मा से भरते हैं, तो वह पवित्र आत्मा आपको जंगल में लेकर जाता है, जिस तरह वह प्रभु यीशु मसीह को लेकर गया था और 40 दिन तक उनकी परीक्षा की थी, क्योंकि जिस 40 दिन के सफ़र को इसराइलियों ने 40 साल का बना दिया था उसी को प्रभु यीशु मसीह ने काटा था। याद रखें, अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा है तो वह आपको परीक्षा में लेकर जाएगा और वचन आपको उस परीक्षा में से निकालेगा। पहला हथियार जो शैतान आपके खिलाफ इस्तेमाल करेगा वह आपका नाराज होना है। परमेश्वर ने आपको प्रथम स्थान देने के लिए चुना है, पर एक नाराज रहने वाला व्यक्ति कभी भी प्रथम स्थान नहीं पा सकता, क्योंकि परमेश्वर की आग एक नाराज व्यक्ति के ऊपर कभी नहीं ठहर सकती। कई बार आपके जीवन में ऐसा होता होगा कि आपने किसी की सहायता की और उस व्यक्ति ने आपके साथ धोखा किया हो। अब आपके पास एक कारण है कि आप उससे नाराज रहें, परंतु याद रखें, इस रीति से जीवन व्यतीत करने से आप पवित्र आत्मा की आग से नहीं भर सकते, और सिर्फ पवित्र आत्मा की आग के आपके जीवन में होने से आप छुड़ाए जाते हैं। परमेश्वर का वचन भी यही कहता है कि ठोकरों का लगना अवश्य है, पर हाय उस पर जिसके कारण यह ठोकर आती है, क्योंकि शैतान यही चाहता है
कि परमेश्वर ने आपको प्रथम स्थान का फल लेकर आने के लिए चुना है तो आप वह फल न लेकर आएं। मेरे प्रियो, उसी तरह से शैतान का दूसरा हथियार निराशा है, जो वह आपको असफल करने के लिए इस्तेमाल करता है। याद रखें, अगर आप निराश रहने वाले व्यक्ति हैं तो परमेश्वर आपको कभी भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। निराशा के कारण ही आपकी आशीष में देरी होती है, इसलिए अपने जीवन में कभी भी निराश न हो। चाहे आपके जीवन में जितनी भी बड़ी निराशा का कारण क्यों न हो, आप परमेश्वर में सदा आनंदित रहें। जब आप परमेश्वर में सदा आनंदित रहते हैं तो आपकी आशीषें जो परमेश्वर की ओर से ठहराई गई हैं आपको मिलती हैं, और परमेश्वर का वचन आपके जीवन में पूरा होता है कि आप फल लेकर आने के लिए चुने गए हैं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीषित करें। आमीन। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि मैं आपके नाम और आप वचनों में बढ़ूँ, ताकि जो स्थान आपने मेरे लिए रखा है मैं उस पर पहुँच सकूँ और आपके नाम को महिमा दे सकूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।